तो हेलो दोस्तों, मेरे इस नए वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं आलाप, आपका टेक्निकल फ्रेंड। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि आपने एज अ रैपिडो कैप्टन ज्वाइन कर चुके हैं, आपने राइडिंग लेना भी स्टार्ट कर दिया है और आपका अर्निंग भी हो रहा है, लेकिन वो अर्निंग कहाँ जा रहा है? रैपिडो वॉलेट में। तो वो रैपिडो वॉलेट से पैसा हमारे अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे? तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं यही बताने वाला हूं। और आज भारत में ईद का त्यौहार भी है, तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद की शुभकामनाएं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि आप कैसे रैपिडो एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट डिटेल फिल करेंगे, प्लस पैसा कैसे ट्रांसफर होगा, इसका कुछ लिमिटेशन है कितने दिन है, या तो इतने दिन में आप पैसे निकालेंगे, ऐसा कुछ है। तो आज कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आप जान लोगे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक लाइव डेमो भी दिखाऊंगा दोस्तों। उस लाइव डेमो में आपको बैंक अकाउंट डिटेल कैसे ऐड करनी है और दूसरी चीज आपको पैसा कैसे ट्रांसफर करेंगे, वो चीज भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आप नए हैं और रैपिडो कैप्टन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैंने एक लिंक दे दिया है, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम वीडियो शुरू करते हैं। मैं अपना ये ऑन स्क्रीन कैमरा अब मैं ऑफ कर रहा हूँ और चलते हैं हम हमारी मोबाइल स्क्रीन पे। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं रैपिडो कैप्टन एप्लीकेशन, सिंपली हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब मुझे अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करना है, तो क्या करूँगा मैं, सिंपली यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर पे आपको थ्री बार वाला बटन दिख रहा है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ये क्लिक करने के बाद आपका दूसरा ऑप्शन दोस्तों अर्निंग्स एंड रिडीम, इसके ऊपर जाइए। इसके ऊपर जाते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे जैसे कि बीच में आपको वॉलेट दिख रहा है और वॉलेट में कितना पैसा है वो भी दिख रहा है। टुडे का देखना है अर्निंग, तो टुडे आप देख सकते हैं कितना अर्निंग हुआ। और हिस्ट्री देखना है, आप पिछले दिनों में कितना कमाया, तो वो आप यहाँ पे हिस्ट्री में देख सकते हैं। तो चलिए वॉलेट में जाते हैं। अब हमको बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करना है, तो यहाँ पे आपको रिडीम का ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपली हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपने कितना पैसा अर्न किया है, ये ऑटोमेटिक मनी ट्रांसफ़र क्या है वो बाद में बताऊंगा। तो अब हमको बैंक अकाउंट ऐड करना है, तो ऐड न्यू पेमेंट मेथड। तो हम दो दो तरीक़ों से हम हमारा बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। एक तो आप यूपीआई की मदद से कर सकते हो, दूसरा एक बैंक की मदद से। तो चलिए देखते हैं पहले वाला, बैंक वाला। सिंपली क्लिक करेंगे बैंक के ऊपर, तो यहाँ पे आपका जो अकाउंट में जो नाम है दोस्तों वो नाम दे देना है। मैं सिंपली यहाँ पे कुछ भी ऐसे दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा है मेरा अकाउंट। तो अब ये अकाउंट नंबर, आप अपना अकाउंट नंबर इसमें फिल कीजिएगा, वापस दूसरी बार अपना अकाउंट नंबर फिल कीजिए। और यहाँ पे IFSC कोड दिख रहा है आपको, तो वो क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो आप घर बैठे ही आप चेक कर सकते हैं। कहाँ पे आपके पास बैंक का पासबुक होगा और बैंक का चेकबुक होगा, दोनों में से किसी एक चीज़ में से आप IFSC कोड अपनी बैंक का निकाल सकते हैं, उसमें ही रहेगा उसके अंदर। तो ये सब चीज़ें फिल करने के बाद आपको आएगा नेम ऑफ बैंक, आपकी बैंक का नाम दे देना है जो भी आपकी बैंक है। ये सब करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो येलो कलर का बटन दिख रहा है ना, कन्फर्म पे आप क्लिक कर दीजिए। तो ये करने से आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड हो जाएगा रैपिडो एप्लीकेशन में। तो अब दूसरा मेथड UPI वाला, वो चेक कर लेते हैं क्या है उसके अंदर। तो इसको बैक कर देता हूँ मैं। अब जाएंगे हम UPI वाला ऑप्शन में, तो यहाँ पे सिंपली मैं क्लिक करूँगा UPI अकाउंट में। तो यहाँ पे दोस्तों आपको UPI अकाउंट ऐड करना है। वो कैसे, आप जैसे गूगल पे यूज़ करते हो, फ़ोन पे यूज़ करते हो, तो उसमें एक UPI अकाउंट होगा, वो UPI अकाउंट यहाँ पे एंटर कर सकते हो। बस उतना ही, कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए आप, तो आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स कम्प्लीटली ऐड हो जाएगा। तो ये तो था दोस्तों बैंक अकाउंट डिटेल्स का प्रोसीजर। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पैसा कैसे ट्रांसफ़र करें, ठीक है, वो भी चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, तो आपको ये वॉलेट पे सिंपली आ जाना है और यहाँ पे आपको रिडीम लेफ्ट टू काउंट दिख रहा है दोस्तों। तो वो क्यों, क्योंकि रैपिडो ऑन वीक में आप दो बार ही आप
अपना पैसा निकाल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये लिमिटेशन है रैपिडो की कि आप वीकली दो बार ही आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने अकाउंट में। उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा, ये मंडे टू संडे तक का साइकिल है, मंडे से लेके संडे तक आप दो बार अकाउंट में से पैसा निकाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम मनी ट्रांसफ़र कर लेते हैं हमारे अकाउंट में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मेरा वॉलेट बैलेंस है 543.95 पैसा, ठीक है। अब इसको हम ट्रांसफ़र कैसे करेंगे? इसको ट्रांसफ़र करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली इस रिडीम का ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद आपको नीचे दिख रहा है येलो कलर का बटन ट्रांसफ़र, उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। चलिए क्लिक करते हैं। एक क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, रिडीम रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। अभी ओके, ऑन द स्पॉट आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि मुझे मैसेज आ गया है और मेरा पैसा ट्रांसफ़र हो गया है मेरी बैंक अकाउंट में। तो है ना दोस्तों सिंपल, और है ना आपका 2 सेकेंड में आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखिए आप, मैसेज भी आ गया है मुझे, तो आप देख पा रहे हैं कि मेरा मैसेज भी आ गया है और मुझे पैसा भी मिल चुका है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे रिडीम क्रेडिटेड का एक मुझे नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो आप देख पा रहे हो कि विद इन 2 to 3 seconds के अंदर ही मेरा पैसा ट्रांसफ़र हो गया। तो है ना कमाल की चीज़। और ऑटोमेटिक मनी ट्रांसफ़र दोस्तों, उसमें क्या है दोस्तों, ऑटोमेटिक मनी ट्रांसफ़र में अगर आप अपना बैंक डिटेल्स ऐड कर लेते हो तो ऑटोमेटिक मनी ट्रांसफ़र होगा रैपिडो की तरफ से। वो कब होगा? वो होगा वेनसडे और संडे को, ऐसा कुछ साइकिल है दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक डिटेल्स कैसे ऐड करनी है और पैसा कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है रैपिडो रिलेटेड, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथ में, ताकि आने वाले दिनों में आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले नॉलेजफुल वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।